आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। सबसे पहले हम देखते हैं डेटा से क्या हमारा मतलब है। डेटा हम किसी भी चीज़ को जो हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं इन नंबर्स की फॉर्म में, यानी कि हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में अगर वो आ रहा है, फिगर्स की फॉर्म में आ रहा है, तो वो हमारे पास यहाँ पर डेटा कहलाएगा। अनग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या है? अनग्रुप्ड डेटा का मतलब है जैसे ये हमारे पास सिंपल नंबर्स हैं, ठीक है, इनमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है कि मतलब हम कहें कि हमारे पास कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, ना हमने क्लासेस बनाई हैं इस डेटा की। ये जैसे नंबर्स हमारे पास आए उस तरीके से हम इसको लिखते गए, तो ये अनग्रुप्ड डेटा है हमारे पास। मीन हम लोग कहते हैं जब हमारे पास ऐसी वैल्यू को कि हम कहते हैं कि हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये मोस्टली यानी ज़्यादातर हम कहते हैं हमारे पास सेंटर में लाए करती है डेटा के। और अरिथमेटिक मीन क्या है? ये मीन मालूम करने का एक तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये डेटा जो है यहाँ पर गिवन है। अगर हमें इसका अरिथमेटिक मीन हम कहें कि हम किस तरीके से मालूम करेंगे, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये जो मीन हमारे पास आ रहा है ये क्या है? ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, और इसे हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो तमाम ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस जो गिवन है इनको हम लोग सम कर लेंगे इस तरीके से। हमने लिखा 15 प्लस 75 प्लस 33 प्लस 67, और इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ को हमने लिख लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सम ले रहे हैं, और इसको हमने डिवाइड किस पर करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के, ये हमारे पास कितने नंबर्स हैं। तो अगर हम काउंट करें तो ये हमारे पास कितने बनते हैं? 10 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन तमाम को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो हम इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 460 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे हमारे पास 10 है, तो जब हमने इसको डिवाइड किया ये 0 0 से गया तो क्या आ गया, 46। यानी कि हमारे पास मीन क्या आ गया, 46 मीन आ गया है इन ऑब्जर्वेशंस के लिए। और ये मीन हमारे पास क्या है, ये हमारा अरिथमेटिक मीन है। इस अरिथमेटिक मीन को हम लोग सिम्बल्स की फॉर्म में भी जो है किस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मेरा जो 15 है वो क्या है, वो x1 है, 17 को मैं x2 से, और इसको मैं इस तरीके से x3 से, और इसी तरीके से 67 को x4 कहूँ, और बाकियों को भी उसी के मुताबिक जो है मैं x और 5 जो उनका नंबर बन रहा है 1 2 3 4 5 वो देती जाऊँ, तो मेरे पास क्या है, ये मैंने इनको दे दिए हैं x की फॉर्म में लिख लिया है। तो इस केस में जो मेरा मीन है, जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस है, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन, ये हमारे पास चलते जा रहे हैं x10 तक हमने इसको लिख लिया है। और हमने डिवाइड किस पे किया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि क्या है हमारे पास 10 बनती हैं। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर गिवन के लास्ट जो वैल्यू होती है, जो उसका नंबर होता है, वही उतनी ही हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो इसको अगर हम लोग क्या करें, इसको हम जनरल फार्मूले की फॉर्म में अगर हम लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं कि हम लोग कहें कि ये हमारे पास समेशन, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, ठीक है, सम ले रहे हैं, तो हमारे पास उसके लिए जो साइन होता है वो क्या है, समेशन का, इसको हम समेशन का साइन कहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स, जबकि यहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट यूज़ कर लेंगे आई। अब इस आई की वैल्यू हम देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, तो हम लिख देंगे आई इज़ फ्रॉम 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा, कि 10 तक जो है ये आई वैल्यू ले रहा है। और नीचे हम लोग क्या करते हैं, उसी तरीके से 10 लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो 10 है, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो क्या है, हमारे पास स्मॉल n है, तो ये हमारे पास बन जाएगा समेशन आई इज फ्रॉम 1 to n, और ये क्या आ गया, एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया है हमारे अरिथमेटिक मीन का। तो इसके ज़रिए, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, जब हमारे पास अनग्रुप डेटा हो, हम आसानी से अरिथमेटिक मीन को मालूम कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा।